इस बंद कर दिया। आज का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला टाइगर क्रिकेट क्लब जमदाशाही और खान क्रिकेट क्लब जमदाशाही के बीच बस्टीला के ग्राउंड पर आज का क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू है। लीग खत्म हो चुका है। आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला खान क्रिकेट क्लब जमदाशाही और टाइगर क्रिकेट क्लब जमदाशाही के बीच काफ़ी बेहतरीन मुकाबला होगा। आप लोगों से निवेदन है कि भाई आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लें। हेलो टाइगर क्रिकेट क्लब बनाम खान क्रिकेट क्लब दोनों टीमें आने सामने हैं। ये मेरे ख्याल से शायद दूसरा मैच है ना। फर्स्ट बॉल एक रन, अच्छी फील्डिंग, अच्छी बैटिंग, बॉलर और बैट्समैन, बैट और बॉल का शायद कोई संपर्क नहीं। एक रन फिर भी टीम के खाते में। सेकंड बैट्समैन लेफ्ट हैंड बैट्समैन, एक बार बॉलर चालू, अच्छी फील्डिंग, बैट फील्डर द्वारा एक रन, लेकिन फिर भी टीम ने जुड़ा लिया। टीम का स्कोर टोटल दो बॉल दो रन। एक बार फिर बॉलर चले, बैट्समैन आगे, लेकिन कोई रन नहीं। अच्छी बॉलिंग अपील है, लेकिन देखना कि इंपायर डिसीजन क्या है। इंपायर का डिसीजन सरमान होगा, आफत क्लियर होगा। और इसको हल्के हाथों से खेला जाता है, गेंद को छूने करेंगे, दोनों खिलाड़ियों ने तैयार करेगा रन पूरा कई से करेंगे। सात स्कोर तीन रन, पहला ओवर प्रगति पर है। कम ज्यादा स्ट्राइक पर होंगे, नफीस नहीं स्ट्राइक पर है। अभी सर काफी बेहतरीन मुकाबला आज का क्वार्टर फाइनल मुकाबला बस्टीला के ग्राउंड पर खान क्रिकेट क्लब जमदाशाही और टाइगर क्रिकेट क्लब जमदाशाही के बीच काफी बेहतरीन मुकाबला। दोनों ही टीम है इस टूर्नामेंट की, काफी बड़ी टीम है। नफीस के लिए अच्छी गेंद नीची रही, जब तक गेंद को छूने करेंगे साइड से टकराई, विकेट कीपर जब तक फील्ड करते हैं, दोनों खिलाड़ियों ने चोल कदमी करते हुए करम पूरा के इसे करने के साथ स्कोर चार रन, पहला ओवर प्रगति पर है। रन द्वारा काफी बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। बस्टीला के ग्राउंड पर मुकाबला शाही खान क्रिकेट क्लब जमदाशाही और टाइगर क्रिकेट क्लब जमदाशाही के बीच और कम अंपायर से गिर रहा है। अभी के लिए उसके नीचे खिलाड़ी पर आला पच्चीस फील्डिंग कर जाएगी, जब तक गेट को फील्ड करेंगे दोनों खिलाड़ियों ने दौर करें। करम पूरा के इसे करने के साथ स्कोर पांच रन है। मुकाबला छह ओवर का खेला जाएगा, जिसमें तीन बॉलर होना नहीं अपने गोटे का पहला बल्ले कर अभी के लिए फिल्टान के दौर उसके नुकसान देखे लगे दम बनाते उसी मारे खिलाफ चार रन के लिए चौथे के साथ स्कोर पिछलता को देता अच्छा देता हुआ नौ रन। तीसरा बल प्रगति पर है सुलेमान द्वारा, जैसे देखा फिल्टान के दौर सीट की दिशा में खेला गया लेफ्ट साइड पर दम बनाते उसी मारे खिलाफ चार रन के लिए स्कोर नौ रन। दूसरा लग जमदाशाही को जीतना है तो काफी बेहतरीन है। गेंदबाजी करने भी इशारा नहीं दिया और जब तक गेंद को खुला करेंगे अंपायर का इशारा नहीं दिया। इस हिस्सा के साथ स्कोर दस रन, दो रन करने पैसा अंपायर का नहीं है, शर्म नाने का स्कोर दस रन है। काफी बेहतरीन अंपायर भी नहीं, अंपायर सुहेल खान और स्कोर दस रन, दो रन करने पैसा हुआ। सुलेमान अधिकार के लिए और फिर से निकाला है, इसके नीचे और कम अच्छी फील्डिंग कर जाएगी इसे करने के साथ इस पर ग्यारह रन। दूसरा ओवर प्रगति पर सुलेमान द्वारा एक दूसरा ओवर प्रगति पर स्कोर ग्यारह रन, कोई नुकसान नहीं। खान क्रिकेट क्लब जमदाशाही अगर इस मैच को जीतना तो काफी बेहतरीन है। सुलेमान नफीस के लिए और अच्छी समझ नहीं सके पूरा कागजों की कर्सन ने पूरा कर दी स्कोर ग्यारह रन पर रुका हुआ टिका हुआ जमा हुआ डटा हुआ। तीसरा गट प्रगति पर और काफी गंदा तोड़ी और जब तक गेट के फिल्ल करेंगे दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर दो रन पूरा किया। दो रन के साथ स्कोर तेरह रन, दूसरा गट प्रगति पर स्कोर तेरह रन, कोई नुकसान नहीं। खान क्रिकेट क्लब जमदाशाही से बॉलर सुलेमान काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दोनों विकेट तोड़ा। चालक बल्लेबाज है मोहम्मद नफीस और अभिधर स्कोर तेरह रन निकल गई चार रन के लिए, चौके के साथ स्कोर उछलता दे देता फा देता हुआ सत्रह रन। दूसरा गट प्रगति पर है सुलेमान द्वारा, सुलेमान स्ट्राइक करेंगे और इस तरीके से काफी बेहतरीन है चांस लेते हैं और कम स्कोर दो सौ रन के साथ स्कोर उन्नीस रन। स्कोर करती है दोनों ही टीम इस टूर्नामेंट की, काफी बड़ी टीमें जानी जाती है। शायद अपने कोटे का पहले गेंद अपने टीम का और गेंद कर दिया और नीचे रहे समझ नहीं सके अभी। काफी बेहतरीन गेंद है, सादिक को मिलती स्टार खिलाड़ी
अवजर किलिंब लेकर सद का शिकार बने और इसके सिले से दिशा में चला जाता गेट को खेल कर सिले मामले ने खिलाफ दौड़ कर रन पूरा कर इसे करने के साथ स्कोर है 20 रन है। तीसरा ओवर प्रगति पर मोहम्मद सादिक द्वारा स्कोर 20 रन है। एक विकेट के नुकसान पर खान क्रिकेट क्लब गंदा शाह का बॉलर सादिक नफीस के लिए और इसको निकाला है गोल्डन बना तो इसी मेरे खबर हर चार रन के लिए स्टेडियम के साथ इस पर 24 रन है। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं नफीस इस पर 24 रन है। तीसरा ओवर प्रगति कर इस पर 24 रन एक विकेट के नुकसान पर खान क्रिकेट क्लब जिंदा शाही का इस पर 24 रन है। कुछ नहीं है काफी बेहतरीन है गेंदबाजी कर रहे इतने चतुरा चालक बल्लेबाज नफीस सादिक अंतरिक्ष जान लेते हैं नफीस के लिए फिर से हल्का पास बोला और उसे लिए गए खिलाड़ी एक रन से संतुष्ट इसी करने के साथ स्कोर 25 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर स्कोर 25 रन एक विकेट के नुकसान पर खान क्रिकेट क्लब गंदा शाही का बॉलर सादिक काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं फिर पास लेकर खेला इसके नीचे खिलाड़ी काफी बेहतरीन फील्डिंग की जाएगी गैस द्वारा इसे करने के साथ स्कोर 26 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर स्कोर 26 रन एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज अभिसर स्टार्ट करेंगे नफीस और फिर पास लेकर चार रनों के लिए चौथे के साथ स्कोर 30 रन। चौथे का लास्ट ओवर अपने टीम का चौथा बल्लेबाज अरकम काफी बेहतरीन गेंदबाजी इतने चतुरा चालक बल्लेबाज मोहम्मद आमिर बॉलर अरकम आमिर के लिए और इसके इस तरीके से दूसरा धक्का लगा नफीस रन आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए फील्डिंग की अरकम ने और तीसरा झटका लगा खान क्रिकेट क्लब गंदा शाही को अविष्कार करेंगे आमिर अरकम आमिर के लिए और स्टैंड चांस होने का मौका था लेकिन काफी घटवा फील्डिंग चल जाएगी सुलेमान को और इसके ड्राइव चला उसके मुख्य खिलाड़ी और अच्छी फील्डिंग कर जाएगी सादिक द्वारा इसे करने के साथ इसके 31 रन है। चौथा ओवर प्रगति पर है अरकम द्वारा इसका तिरंगे फैसल और पैर से टकराए दोनों खिलाड़ी दौड़ करे कर पूरा से इसे करने के साथ इसके 32 रन है। काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अरकम इसके 32 रन है। चौथा ओवर प्रगति पर इसके 32 रन है। मुकाबला छह ओवर का खेला जा रहा है तीन बॉलर होना अनिवार्य है चांस लेते हैं काफी बेहतरीन स्टंपिंग करने बत्तीस रन करे टिका हुआ जमा हुआ बता हुआ दीदी के नुकसान कर चौथा ओवर प्रगति पर है। बॉलर अरकम आमिर के लिए और इसे अच्छी फील्डिंग और इस तरीके से रन आउट है। तीसरा झटका लगा पर तीन विकेट के नुकसान पर बॉलर सादिक अपने गोटे का लास्ट ओवर अपने टीम का और उसके अंपायर का इशारा नहीं बोला उसको निकाला उसके नीचे दोनों खिलाड़ियों दौड़ कर दो रन पूरे के इस तीन रनों के साथ इस पर 35 रन है। काफी बेहतरीन बल्लेबाज है मेराज इस पर 35 रन है सादिक मेराज के लिए और अंपायर का इशारा वे आउट और एक रन आउट 36 रनों के एक पर चौथा झटका लगा आसिम कप्तान स्कोर 36 रन है। बॉलर सादिक स्कोर 36 रन है। स्ट्राइक करेंगे मेराज और अच्छी गेंद नीचे समझ नहीं सके अभी भी स्कोर 36 रन पर रुका हुआ टिका हुआ जमा हुआ डटा हुआ चार विकेट के नुकसान पर पांचवा घर प्रगति पर सादिक द्वारा और अच्छी गेंद अपील हो रही लेकिन इसे पूरी तरह पार करके ऊपर गई अभी स्कोर 36 रन पर रुका हुआ पांचवा घर प्रगति पर स्कोर 36 रन है। शादी के स्कोर 36 रन अभी भी स्कोर 36 रन का रुका हुआ पांचवा प्रगति पर काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद सादिक स्कोर 36 रन और अच्छी गेंद पूरी तरीके से बीट किया अभी भी स्कोर 36 रन का रुका हुआ पांच ओवर प्रगति पर स्कोर 36 रन है। अंपायर का इशारा आउट इस पर स्कोर 36 रन है।
नदीन के लिए उसने फिल्म की दिशा में खेला, उसके नीचे खिलाड़ी अच्छी फिल्डिंग का इरादा, इसी कारण अगर 7 स्कोर 37 रन, 5 ओवर के समाप्त होकर स्कोर 37 विकेट के नुकसान पर। और इसे हल्का कैसे खेला उसके नीचे खिलाड़ी, अब भी लकड़ा देने की वजह से दोनों खिलाड़ी बैल करो रन पूरा के इसी कारण अगर 7 स्कोर 38 रन, अब स्ट्राइक करेंगे मोहम्मद आसिम, स्कोर 38 रन। बॉलर सुलेमान आसिम के लिए रन का इशारा, लास्ट ओवर प्रगति पर स्कोर 41 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। खान के खान क्रिकेट क्लब गंदा शाही का ये मुकाबला, खान क्रिकेट क्लब गंदा शाही और टाइगर और इसके खिलाफ सिंह के बाहर 4 रन के लिए स्कोर 41 रन। सुलेमान अपने कोटे का लास्ट ओवर फयाद के लिए और अच्छी जगह और विकेट की तरफ से मैन ने काफी अच्छी फील्डिंग की, इसी कारण 7 स्कोर 42 रन, स्कोर 42 रन। लास्ट ओवर प्रगति पर है, नदीम स्कोर 42 रन और उसके नीचे खिलाड़ी अच्छी और बनाते 4 रन के लिए निष्फील, इसके के साथ स्कोर 46 रन। नदीम के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, स्कोर 46 रन। बॉलर और फिर से निकाला फिल्म की दिशा में रन आउट होने का चांस था, लेकिन सुरक्षित करने के साथ स्कोर 47 रन, स्कोर 47 रन। लास्ट ओवर प्रगति पर है, रोमांचक मुकाबला खान क्रिकेट क्लब और टाइगर, दोनों ही टीमें काफी मजबूत टीमें मानी जाती हैं, अभी के सामना करेंगे वो काफी कड़क कर रहा है, और ये बाउंड्री लाइन बाहर 4 रन के लिए लहराती हुई बाउंड्री लाइन बाहर पार कर चुकी है बाल, इसी प्रकार टाइगर का खाता खुलता हुआ चौके से अबुजर एक बार फिर तैयार, ये कर दिया बहुत ही अच्छे बॉलिंग करते हुए अबुजर, काफी अच्छे माने जाते हैं सनावलाग, अभी जब के अगले सामना करेंगे रन का विकेट बैटिंग करते हैं, बहुत ही अच्छी कटर के रूप में मारने का प्रयास, बाल अच्छी प्रकार आई जब तक फील्डर गेट को फील्डर 1 रन पूरा किया, इसी प्रकार उछलता कूदता दौड़ता भागता हुआ रन 5, अगले गेट सामने का प्रयास, बैट और बाल का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, इस बार अभी जब के अगले गेट सामना करेंगे बैट्समैन, देखना क्या होता है, रन का विकेट काफी सड़क मारने का प्रयास, सर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो रहा है, टाइगर की टीम काफी रनों के लिए जूझती दिखाई पड़ रही है इस पिच पर, एक बार फिर पहले तैयार कौन लड़के बाल कर दिया, इस ओवर में काफी विराज की अगले गए सामना करेंगे सनाउल हाथ, काफी अच्छे बॉलरों में से माने जाते जल खान जमुना साई क्रिकेट क्लब की ओर से, अभी अपने कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर आए सनाउल हाथ, अगले गए मारने का तैयार है मारने का प्रयास, और बैट और बॉल का इतना अच्छा संदेश सुना जाता फील्डर के प्लेयर को फील्ड किया तो बैट्समैन को एक रन पूरा किया, मुकाबला टाइगर के बीच खेला जा रहा है, यह मुकाबला देखते हैं किसके पक्ष में जाता है, स्ट्राइक रहेंगे सनाउल हाथ, नॉन स्ट्राइक रहे इरशाद शाह जी,
काफी अच्छी बैटिंग की जाए सुनौला सुनौला जा रहा है मार कर काफी छोड़ रहा राइट हैंड के बैट्समैन साजी काफी अच्छी अंपायरिंग कही जाएगी मिराज और छोड़ने के लिए काफी शानदार बैटिंग कही जाएगी काफी खुशहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं करते हैं हुसैन देखते हैं क्या करते हैं आज अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर तीन विकेट के नुकसान पर स्कोर जा पहुंचा 9 रन इस टाइप से होंगे हुसैन देखते हैं हुसैन क्या करते हैं अपनी टीम के लिए और ये कोई संपर्क नहीं हुआ काफी अच्छी बॉलिंग कही जाएगी मेरा प्यारा इसे रही है देखते हैं क्या होता है काफी छोटा रन आप राइट हैंड के बैट्समैन हुसैन देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए और ये काफी शानदार बॉलिंग कही जाएगी मेरा प्यारा नजर आ रहे हैं इस समय सलमान अभिषेक तीसरा ओवर स्कोर जाते हैं 9 रन स्ट्राइक पे होंगे स्ट्राइक पे अभिषेक शानदार बॉलिंग कही जाएगी अभिषेक द्वारा कभी सामने नजर आ रही है चंदेसाई फिर से देखते हैं क्या होता है बैट्समैन को समझ में नहीं आ रही खेत कहाँ जा रही है कभी शानदार बॉलिंग कही जाएगी अभिषेक द्वारा अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं देखते हैं क्या होता है मौजूद काफी शानदार रनिंग कही जाएगी दैर के दोनों बैट्समैन एक रन पूरा कर लिए काफी शानदार रनिंग कही जाएगी हुसैन और सुनौला द्वारा फिर से अभिषेक के लिए सुनौला के लिए देखते हैं क्या होता है कीपर का मिसफील्डिंग होती हुई दैर के दोनों बैट्समैन एक रन पूरा कर लिए अच्छी रनिंग कही जाएगी हुसैन और सुनौला द्वारा फिर से अगली गेंद अभिषेक की काफी छोटा रन आप कभी सामने नजर आ रहे हैं अभिषेक देखते हैं क्या होता है कभी तेजी से गेंदबाजी कर रहे हैं हुसैन को समझ में नहीं आ रही गेंद कहां जा रही है कभी शानदार बॉलिंग कही जाएगी अभिषेक द्वारा फिर से अगली गेंद अभिषेक की बॉल जीत कर रहे हैं बस का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा बस तीन रन गेंदबाज के बीच का भी शानदार मुकाबला होगा फिर से अगली गेंद मिराज की सुनौला के लिए देखते हैं सुनौला क्या करते हैं अपनी टीम के लिए काफी छोटे रन राइट हैंड के बैट्समैन सुनौला और ये दौड़ के दोनों बैट्समैन एक रन पूरा कर लिया अंपायर के इशारा नो बॉल टोटल 2 रन माना जाएगा फिर से मिराज के लिए हुसैन के लिए फील्डर मौजूद काफी अच्छी फील्डिंग कही जाएगी फैसल द्वारा काफी शानदार सामने नजर आ रही है फिर से मिराज के लिए सुनौला के लिए एक रन पूरे कर लिए स्टार्ट रहेंगे हुसैन नाल स्टार्ट रहे सुनौला बॉलिंग मारते हैं मिराज काफी छोटा रन है और धीरे धीरे कदम से अंपायर के इशारा वाइड बॉल स्कोर चाहते था 17 रन छोटे ओवर बैट्समैन को समझ नहीं आ रही किस कहा जा रही है काफी शानदार बॉलिंग कही जाएगी मिराज द्वारा छोटा रन अप है लेकिन और ये रिवर्सल के लिए देखते हैं क्या होता है सीधे सीमा रेखे के बाहर चार रन के लिए काफी शानदार चौका निकलता हुआ हुसैन के बल्ले से कि अभी तक चौका मारा है छक्का तो अभी बाकी है आगाज आपने देखा है अंजाम से अभी बाकी है काफी शानदार बैटिंग कही जाएगी हुसैन द्वारा फिर से मिराज के अगली गेंद अगर हुसैन पिच पर रहेंगे तो कब मैच को अपने जिता सकते हैं हुसैन और देखते हैं क्या होता है अगर खेला देते हैं कोई संपर्क नहीं हुआ चौथे ओवर प्रतिपल से जाते हैं 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिर से अगली गेंद हुसैन की स्ट्राइक रहेंगे हुसैन नाली स्ट्राइक पर सामना है लोग काफी समय खेलते हैं फील्डिंग मशीन काफी शानदार फील्डिंग कही जाएगी स्कोर जाते थे फैसल की अगली गेंद हुसैन के लिए स्ट्राइक रहेंगे हुसैन नॉन स्ट्राइक पर हुसैन आई बॉलिंग मार कर रहे फैसल 12 गेंदों पर 36 रनों की और जरूरत देखते हैं यह मुकाबला किसके पक्ष में आता है काफी शानदार मुकाबला खेला गया बैट्समैन एक रन पूरे कर लिए
काफी अच्छी बॉलिंग कही जाएगी फैसल द्वारा। फैसल भी एक्स्ट्रा बचाओ स्ट्राइक कहेंगे सुनील लाला स्ट्राइक पे है स्टैंड बॉलिंग मार पे है फैसल काफी छोटे होना पर राइट हैंड के बैट्समैन अंपायर को इशारा आउट सुनील लाला काफी निराश है करते हुए इनका रास्ता के इन प्लान का स्थान लेने आ रहे हैं फैसल काफी छोट रहना पा रहे देखते हैं धीरे धीरे अपना थोड़ा बाउंस क्रॉस करते हुए पैर देते हैं बैट्समैन एक रन पूरे कर लिए देखते हैं अंपायर के इशारा अंपायर क्या है अंपायर से कोई भी चीज नहीं अंपायर के इशारा चलिए ठीक है भाई अंपायर से कोई भी चीज नहीं अंपायर के निर्णय सर में मान जाएगा अगर अंपायर से कोई भी चीज कहेंगे तो 20 रन काट दिया जाएगा भैया अंपायर से कोई भी चीज नहीं अंपायर स्टार्ट रहे सर में बिल मात्र है फैसल फैसल की अगली खेल देखते हैं क्या होता है गेंद के लिए हरियाणा पर इशारा अंपायर के इशारा में बॉल सीधे सीधे आगे के पास चार में के लिए चलो पांच रन मारा जाएगा जो शानदार है दो रन कही जाएगी कौन करा स्कोर का बचा 28 रन फिर से फैसल की अगली खेल होते हैं गेंद के लिए तो उसका भी अच्छे बैट्समैन काफी नजर है खुश नजर आ रहे हैं फिर से देखते हैं क्या होता है अगर गए स्टार्ट रहेंगे तो मैच निकाल सकते हैं फिर से देखते हैं क्या होता है चंदा मैच में काफी अच्छी फील्डिंग कही जाएगी चंदा साई द्वारा फिर से अगली गेम फैसल की हुसैन के लिए देखते हैं हुसैन क्या करते हैं अपनी टीम के लिए काफी अच्छे बैट्समैन फिर से मौजूद देखते हैं क्या होता है और एक अभी और ये देखते हैं क्या होता है टेनिस वाले स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे के बाद चारने के लिए अभी तक चौका मारा है छक्के तो भी बाकी है आधा साथ रहते कारण जान तो भी बाकी है इससे और ज्यादा चाहता है जिसने पांच ओवर पर भी पर चार विकेट के नुकसान पर स्कोर का बचा 35 रन पांच ओवर पर दीपक फिर से अगली गेंद फैसल की अरे खेलना बहुत है बैट और बॉल डिफेंसर बन गई है अंपायर के इशारा वाइड बॉल फिर से अगली गेंद देखते हैं क्या होता है अंपायर के इशारा